जिस जगह आज हम जाने वाले हैं वो जगह तीन नामों से फेमस है, राजस्थान का स्विट्जरलैंड, मूनलैंड एंड डंपिंग यार्ड। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर एडवेंचर। माय नेम इज नकुल एंड आई एम अ ट्रैवलिंग ब्लॉगर। सुबह हो चुकी है तो अभी हमारी 8 बजे की ट्रेन है रिंगस से किशनगढ़ के लिए। तो अभी हम सुबह की शुरुआत कर रहे हैं पोहे से। पोहा पेलने के बाद बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत टेस्टी पोहा था। यहाँ पे पोहे की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई है, उसने बोला था भाई साहब लास्ट कट्टा है। एक घंटे में बस वाले ने उतारा है रिंगस रेलवे स्टेशन के कहीं पास। बड़ी खतरनाक हालत हो रखी है रेलवे स्टेशन की, तो भाई साहब इतनी भीड़। हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बैठ के अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इतनी भीड़ हो रही है कि लगता तो नहीं है कि हम ट्रेन में घुस पाएंगे। भाई मर्डर हो गए, मर्डर। ओ माय गॉड, कैसे घुस रहे हैं यार। कहाँ पहुंची आज पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रही है। तो फाइनली हम किशनगढ़ पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम जाएंगे स्विट्जरलैंड। मैं अपना ज्यादातर टाइम गूगल को देता हूँ, तो मैंने गूगल पे एक दिन ऐसे ही सर्च करा था स्विट्जरलैंड, तो मेरे को इस जगह के बारे में पता चला था। तो हम उसी स्विट्जरलैंड के लिए निकल चुके हैं। मैंने बहुत बार इसे यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे देखा है, तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था देखने में। तो मैंने सोचा एक बार जरूर जाना चाहिए। होप सो जैसा सोचा हो वैसा ही हो। ये किशनगढ़ रेलवे स्टेशन के पास में है। तुषार की तो इतनी हालत खराब हो गई है, इसे चला भी नहीं जा रहा है, कह रहा भाई अब इसमें चढ़ना पड़ेगा। लेकिन अपना स्टेमिना हाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई थकान है। वो मुझे गाली दे रहा है क्योंकि मैं बहुत सो लिया था, लेकिन फिर भी इसने मुझे सुबह 4-5 बजे उठा दिया था। ये किशनगढ़ रेलवे स्टेशन का थोड़ा सा व्यू है, बहुत खुला खुला प्यारा प्यारा सफर साफ लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी आकृति बनाई हुई है रेलवे स्टेशन पे, बहुत सही लग रही है। तो हम लोग रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ से हमने लिफ्ट मांग लिए। एक भाई अपने भाई को छोड़ने आया था, हमने उससे बोला हमें थोड़े आगे तक की लिफ्ट दे दे, हमें इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं पता है। तो ये अपना भाई है, इसके साथ हम जा रहे हैं। तुषार भाई से बोल रहा, भाई तुम हमारी मदद करके बहुत ज्यादा पाप कर रहे हो। तो हम लिफ्ट लेके जा रहे हैं, सबसे पहले कुछ खाएंगे, भूख लग रही है। उसके बाद देखते हैं डंपिंग यार्ड तक कैसे पहुंचा जाता है। उस जगह को डंपिंग यार्ड भी कहते हैं और स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। प्यारा लग रहा है यार राजस्थान देखने में। ये राजस्थान कल्चर को दिखाते हुए ऐसे होते हैं राजस्थानी लोग। ये भाई ने बताया एयरपोर्ट है किशनगढ़ का। ये भाई हमको एक होटल लाया जिसका नाम चांद होटल है। मैं तुषार को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, ये यहाँ पे खाएगा पिएगा, तो मैं थोड़ा आगे खाने के लिए जा रहा हूँ, तो ये भाई लोग मेरे को आगे तक छोड़ देंगे जहाँ मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। खाने का प्लानिंग तो मेरा कहीं और का था। यहाँ भाई मेरे को बोले कि आज हमारे भाई की शादी है, आप हमारे यहाँ चलो, तो मैं इनके यहाँ आ गया हूँ। यहाँ का कुछ ऐसा माहौल है इस टाइम, जिनकी यहाँ पे शादी हो रही है, सब लोग बैठे हुए हैं। ये मेरा खाना तैयार हो चुका है। लड़के वालों की तरफ से, आशा। खाना बहुत टेस्टी था, यहाँ मुझे बड़े प्यार और सम्मान के साथ खिलाया गया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने राजस्थानी खाना टेस्ट किया, वो भी जिस भाई से अभी अभी दोस्ती हुई थी उसके भाई की शादी में अचानक से ऐसे प्लान हुआ, मतलब कि उसने मेरे को ले गया कि हाँ शादी में चलो, मेरे यहाँ शादी है तो आज मैं आपको वहाँ पे खाना खिलाऊंगा। वो भाई अपनी बहन के लिए चला गया था, उसे रेडी वेडी होना था, उसे बोल दिया था कि मेरा ध्यान रखने के लिए एक दो जनों से, फिर उन्होंने मेरा ध्यान रखा और मेरे को खाना वाना खिला दिया। यहाँ पे अभी भी बैठ के खाना खिलाया जाता है, मेरे को बैठ के खाना खिलाया गया जो मेरे पिताजी की शादी में हुआ था, जो मैंने एल्बम में देखी थी, सेम वैसे ही लोगों को बैठा के बिल्कुल इज्जत के साथ खिलाया जाता है। और ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा उसकी बजाय जो हम खड़े होकर खाना खुद लेते हैं और फिर खाते हैं। ये बस मेरा एक ओपिनियन था। और मेरा टीका भी हो गया, लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों का टीका किया जाता है। अब इस जर्नी करते हैं वहाँ के लिए जहाँ के लिए हम आए हैं, डंपिंग यार्ड के लिए। देखते कैसे कैसे जाया जाएगा। मैं तुषार को अकेला छोड़ के आया हूँ, पहले उसके पास जाता हूँ, वो मेरा वेट कर रहा होगा, पता नहीं कहाँ गया मैं। तो जिस भाई के साथ मैं आया था उसे तो टाइम लगेगा क्योंकि वो शादी में बिजी है, तो मैं इस भाई के साथ जा रहा हूँ, ये मेरे को वहाँ तक छोड़ देगा जहाँ से वो भाई मेरे को मिला था। भाई बोल रहा है मैं तेरे को गिराता हूँ, ले जाऊँगा। चल चलते हैं, फिर पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन। ये देखिए भाई चला रहा है बाइक। इस भाई को भी रास्ता नहीं पता था और मेरे को भी नहीं पता था, तो इसने मेरे को आधे रास्ते में छोड़ दिया है। अब मैं पता नहीं कैसे जाऊँगा यार, सही में मेरे को पता नहीं रेलवे स्टेशन इधर है भी या नहीं। इस रास्ते तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ और तुषार पता नहीं कहाँ है, पता नहीं क्या होने वाला है। अब देखता हूँ मैं रेलवे स्टेशन जहाँ तक है, पूछता हूँ किससे कहाँ पड़ेगा। इस भाई को सही में बाइक ज्यादा अच्छी चलानी नहीं आती थी, वो डर डर के चला रहा था, फिर भी उसने मुझे काफी आगे तक छोड़ दिया है ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ी बहुत चीजें मुझे याद है, उनको फॉलो करता हुआ मैं तुषार को ढूंढूंगा। फाइनली मेरे को चलते चलते चंदा होटल मिल गया है, लेकिन मैंने तुषार को यहाँ छोड़ा था, पता नहीं कहाँ गया। ये
ओ ये रहा, ओ मेरा लौंडा ये रहा। फाइनली मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। तो अब हम दोबारा से तैयार हैं डंपिंग यार्ड में जाने के लिए। फ्रेशन अप। फ्रेशन अप। ये देखो भाई टेम्पो बुक कर लिया है। ये तुषार और मैं निकल चुके हैं डंपिंग यार्ड के लिए। कुछ एक्साइटेड बना है हमारे अंदर। रोड का नाम है टापू टाप। ऑटो वाले भैया ने बताया यहाँ पे मिलता है डंपिंग यार्ड में टिकट, तो हम जा रहे हैं अंदर टिकट लेने। कहने का मतलब था राजस्थान के स्विट्जरलैंड का टिकट यहीं पे मिलता है। बड़ी सही जगह, बहुत खुला खुला है यार यहाँ तो। ये देखो ये अंदर बहुत ज्यादा अच्छे अंकल बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा हसमुख टाइप, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने मेरे को। तो फिर अब हम जा रहे हैं डंपिंग यार्ड के लिए। एक स्लिप मिली हमें वहां तक जाने के लिए। डंपिंग यार्ड की पार्किंग हो बेटे। तो ये हमारे टेम्पो वाले भैया थे जिन्होंने हमें 150 रुपए में डंपिंग यार्ड तक छोड़ा है। क्यों भैया? सुरेश भाई। सुरेश भाई। तो फाइनली हम डंपिंग यार्ड के अंदर पहुंच चुके हैं। अब यहां का आपको नजारा दिखाते हैं। धूप काफी हो रही है तो हम अभी घूम नहीं रहे हैं डंपिंग यार्ड। हमने यहाँ बैठने का डिसाइड किया है। यहाँ ठंडा पानी हमको मिल गया है। ये थोड़ा गार्डन है और अपन इस गार्डन में बैठ गए हैं। यूँ लेट गया है। तकरीबन आधा घंटा रेस्ट करने के बाद हम दोबारा से निकल पड़े हैं राजस्थान के स्विट्जरलैंड को घूमने के लिए। तुषार बोल रहा है ये एक टापू है छोटा मोटा। ये हम यहाँ से उतर रहे हैं, उस लेक तक जा रहे हैं। इधर से देखो मैं उतरा था जहाँ से अभी तुषार आ रहा है, इस रास्ते से। ओ भाई देख रहे हो कैसे गड्ढे हो रखे हैं इसमें। ये सफ़ेद चूना है, मतलब कि बहुत सारा सफ़ेद चूनों का पहाड़ है बस ये, और कुछ स्पेशल नहीं है इसमें इतना। लेकिन लग बहुत ज़्यादा प्यारा सा रहा है। सबके जूतों के निशान देखता हुआ उतर रहा हूँ मैं। अबे जूते सफ़ेद हो गए बे। बड़ी मेहनत है बेटे। कहाँ से जाए जाए, इधर से जाऊँ या फिर इधर से जाऊँ? तुषार उधर से जा रहा है और तुम्हारा भाई इधर से जाएगा। ओ बेटे या तो मैं पागल हूँ या फिर मुझे पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। ओ बेटे मैं बहुत पतली जगह से उतर रहा हूँ, या तो नीचे गिरता या फिर आ ही जाता। तो भाई गिरा नहीं नीचे, मैं आ गया। यहाँ से लेक थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब तुषार भाई मेरे से थोड़े से दूर है, ये भी ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ मैं चूने पैर रख रहा हूँ तो उड़ रहा है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उधर की साइड जाएँ या फिर जहाँ वो दो लोग हैं उधर की तरफ जाएँ। तो अभी अब अपन सोचते हैं किधर की तरफ जाएंगे। यार क्या नज़ारा आ रहा है इधर की तरफ से, सबसे ज़्यादा कैंट नज़ारा इधर की तरफ आ रहा है। मैं इस जगह की बुराई तो नहीं करूँगा लेकिन यहाँ पर ना बहुत प्यारी और सुंदर जगह है यार, यहाँ की मैं तारीफ ही करूँगा। आओ कितना साफ पानी है भाई साहब। लेकिन इस पानी के नीचे दलदल है जो कि इससे बनी हुई है। अगर इसके अंदर पहुँच गया कोई तो भाई डूब ही जाएगा पक्का। डूबना तो क्या, दलदल में घुस ही जाएगा। यहाँ की सबसे कैंट जगह यही है जो कि लेक भी है और यहाँ पे स्नो जैसा फील भी है। सिर्फ दिखने वाला फील है, ठंड वाला फील नहीं है। पूरी जगह जो है ना सफ़ेद चूने की, लग रहा है जैसे स्नो की हो। यहाँ फोटो खिंचवाने के बाद अपन चढ़ पड़े हैं इस पहाड़ की तरफ। ये भाई बेटे बस यहाँ का सफ़ेद पानी अट्रैक्ट करता है लोगों को। ये एक साइड मतलब एक पार्ट था, यहाँ चल रहा है प्री वेडिंग शूट। ओ बेटे मौज आ गई। यहाँ पे एक वार्निंग भी है, वो साइड एक्सप्लोर कर ली हमने, अब ये दूसरी साइड है। ये सेकंड फेस है इस जगह का। ये फेस डंपिंग यार्ड का और ज़्यादा एट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव ही बोलते होंगे जहाँ तक, क्योंकि यहाँ से ना पूरा डंपिंग यार्ड का सही वाला व्यू आ रहा है। इस टाइम हम डंपिंग यार्ड के बीचों बीच में खड़े हैं, यहाँ से हमें ये नज़ारे मिल रहे हैं। और ये वो वाला पेड़ है जिसमें ज़्यादातर मूवीज़ की शूटिंग्स में यूज़ होता है। यहाँ पे कपिल शर्मा ने भी अपना एक सॉन्ग किया था इसी पेड़ के आसपास, और दबंग 3 की भी यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है। ये पता नहीं इन्होंने बीच में क्यों खड़ा कर रखा है, क्या ही है ये, कौन ही लोग होंगे जो इसके पास फ़ोटो खिंचवाएंगे। मैं भी इतनी दूर से इसी जगह को घूमने और यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने आया हूँ। वाह, ये पेड़ यहाँ पे नहीं हुआ है, ये ज़बरदस्ती यहाँ पे खड़ा किया गया ताकि एक अलग अट्रैक्टिव फ़ोटो खींच सके यहाँ पे खड़े होके। वहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, पीछे पहाड़ है, उस वजह से डंपिंग यार्ड और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पता नहीं इसे स्विट्जरलैंड क्यों कहते हैं, मुझे तो इतना खास लगा नहीं है स्विट्जरलैंड लायक। हाँ लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन स्विट्जरलैंड कहने लायक नहीं है। हम थक हार के बैठ चुके हैं। ये देखो तुषार ही बैठ चुका है क्योंकि गर्मी बहुत है और बहुत बड़ा यार्ड है, इस वजह से यही होना था। अगर आप फोटोग्राफी में एक्सपर्ट हैं, मतलब अगर आपको फोटोग्राफी का शौक हो तो यहाँ पे आना, घूमने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे सही में। अगर कोई इसे लद्दाख या कश्मीर या फिर बर्फ़ से या किसी भी चीज़ से अगर कोई इनसे कंपेयर कर रहा है तो मैं तो बिल्कुल बेकार बताऊँगा, क्योंकि ये फ़ोटोशूट के लिए बेस्ट है बस। तो भाई यही था डंपिंग यार्ड, और जिसे लोग स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं,
मैप में भी यही शो करता है राजस्थान का स्विट्जरलैंड। आप बताना क्या ये स्विट्जरलैंड है या नहीं। ये इवनिंग व्यू है और ये रहा इवनिंग व्यू।